जय भीम जय मूल निवासी। मैं अमोल वज्जी एमएनटी न्यूज नेटवर्क के सदन से संसद तक कार्यक्रम में आपका स्वागत करता हूं। लोकसभा चुनाव के दूसरे और तीसरे चरण की प्रक्रिया शुरू हो गई है। तीसरे चरण में गुजरात का गांधीनगर चर्चा में है। गांधीनगर में 23 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। गांधीनगर गुजरात की राजधानी है, इसे हरित नगर यानी ग्रीन सिटी भी कहा जाता है। सचिवालय और मंत्रियों के निवास भी यहाँ पर है। पिछले दो दशकों से लाल कृष्ण अडवाणी यहाँ से संसद है, लेकिन इस बार भाजपा ने उनको टिकट नहीं दिया है। उनकी जगह पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस ने भी गांधीनगर से अपना उम्मीदवार चुनाव में उतारा है। पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक पीपीआईडी देश भर से करीब 12 राज्यों से चुनाव लड़ रही है। गांधीनगर से पीपीआईडी की ओर से फुले अंबेडकरी आंदोलन के सक्रिय कार्यकर्ता एवं नेता हसमुख चंद्रपाल चुनाव लड़ रहे हैं। सदन से संसद तक इस कार्यक्रम में उन्होंने अपनी भूमिका विस्तार से रखी। देखते हैं उन्होंने क्या कहा। मेरा नाम हसमुख चंद्रपाल है और मैं गांधीनगर कॉन्स्टिट्यूएंसी से नॉमिनेशन किया हूँ। मेरा अनुक्रम नंबर 4 है और मैं पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक के माध्यम से मैं इस चुनाव में कैंडिडेट के तौर पर मैं खड़ा रहा हूँ और मेरा चुनाव निशान जो है वो ब्लैक बोर्ड है। ब्लैक बोर्ड जो है वो हमारे जीवन में बहुत अहमियत रखता है, क्योंकि जब बाबा साहब ने भी पढ़ाई शुरू की थी और क्लासरूम के बाहर बैठने की नौबत आती थी और सभी बच्चों के टिफ़िन है वो टीचर जहाँ पढ़ाती रहती है वहाँ टिफ़िन पड़े रहते थे, तो बाबा साहब को उस ब्लैक बोर्ड तक कभी भी जाने का मौका नहीं मिलता था। तो बाबा साहब का जो इतिहास हमने सुना है तो उसमें बाबा साहब को रूम के अंदर नहीं जाने को मिलता था और ब्लैक बोर्ड तक तो पहुंचने का सवाल ही नहीं उठता था। अगर ब्लैक बोर्ड तक पहुंच गए तो अनटचेबिलिटी ऑब्जर्व करने वाले लोग ये बाबा साहब को ब्लैक बोर्ड से वो बच्चे दूर भगाते थे। तो ये ब्लैक बोर्ड जो है जो बाबा साहब के जीवन में भी बहुत अहमियत रखता था और हमारे जीवन में भी ब्लैक बोर्ड बहुत अहमियत रखता है। मैं आपसे ये गुजारिश करूंगा कि आप 23 तारीख को जब चुनाव का जो मतदान करने जाओगे तो इस ब्लैक बोर्ड को अवश्य याद करोगे। मैंने गांधीनगर कॉन्स्टिट्यूएंसी से जो नॉमिनेशन किया है उसकी वजह यह है कि मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में एससी एसटी और ओबीसी के लोग जो है बड़ी तादाद में होते हुए भी कभी भी मूल निवासी समाज के किसी भी आदमी को उस प्रतिनिधित्व के तौर पर गांधीनगर से नहीं भेजा गया। तो जनरल कैटेगरी के लोगों को अभी तक गांधीनगर से प्रतिनिधित्व के तौर पर शासक जाति के लोग कांग्रेस और भाजपा दोनों ने अपने कैंडिडेट्स भेजे हैं। तो मैं इस गांधीनगर के लोगों को ये कहना चाहूँगा कि अगर आपको आपका उम्मीदवार जो है आपके समाज का मूल निवासी बहुजन समाज का जो है अगर उसको प्रतिनिधित्व देना है तो आप मुझे वोट देंगे। वोट इसलिए मैं आपसे मांग रहा हूँ कि एक लोकतंत्र को बचाए रखने के लिए एक बहुत बड़ा हथियार है। अगर इस देश की जो संपत्ति है जो तिजोरी है उस तिजोरी को संपत्ति को अगर आप ताला मार के उसकी चाबी जो है आप दुश्मनों के हाथ में दे दोगे और फिर 5 साल तक उससे मांगते रहोगे तो वो आपको देने वाले नहीं है। मैं गुजरात में सभी तहसील में घुमा हूँ, कई गांवों में गया हूँ, तो मुझे ये एहसास हुआ है, मुझे पता चला है कि हमारे मूल निवासी बहुजन समाज के लोगों की
सुख सुविधा के लिए आज़ादी के बाद 70 साल में कुछ नहीं किया इन लोगों ने। तब मुझे ऐसे लगा, 35 साल सामाजिक कार्य करते करते मुझे ऐसे लगा कि हमारी जो सुख सुविधा है उसकी, हमारी समस्याओं की जो जड़ है, तो वो सारी जो है उसकी चाबी जो है वो पॉलिटिक्स है। तो हमने पॉलिटिक्स में आने के लिए ये तय किया कि हमारे समाज की दुख दर्द और पीड़ा जो है इसके माध्यम से हम हल करेंगे। हम लास्ट 35 साल से सामाजिक काम करते करते हमें ये फील हुआ कि जो शासक जाति के लोग हैं वो सिर्फ हमें वचन देते हैं और वचन कभी भी पूरा नहीं करते। हमने 35 साल हमारी जो फुले अंबेडकरी आंदोलन से निकली हुई पार्टियों से भी ये उम्मीद रखी थी कि हमारी समस्याओं का वो निदान करेगी, हमारी दुख तकलीफ है वो कम करेगी, लेकिन हमें उससे भी कुछ फायदा नहीं हुआ। इसीलिए हम लोगों ने पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया की रचना की और अभी ये पार्टी नई है और अभी ये पार्टी बाल्यावस्था में है। कोई भी पार्टी जब बनती है तब वो बाल्यावस्था में ही रहती है और ये महत्वपूर्ण नहीं है कि कोई पार्टी कितनी भी पुरानी हो, लेकिन बाल्यावस्था में भी होते हुए भी अगर उस पार्टी का एजेंडा क्या है, उसकी नीति क्या है, उसकी रणनीति क्या है, उसकी नीयत क्या है, अगर उसको देखा जाए तो आपको पता चलेगा कि हमारा जो मैनिफेस्टो है वो जो पढ़ेगा तो उसमें पता चलेगा कि हम क्या चाहते हैं, हम क्या हासिल करना चाहते हैं। तो जब इतने सालों के बाद जब हमने पाया कि कांग्रेस और भाजपा दोनों को सत्ता के सूत्र सौंपे, वो तो हमारा कुछ नहीं कल्याण किया, लेकिन हमारे जो पार्टियां हैं, फुले अंबेडकरी आंदोलन पर चलने वाली पार्टी, अपने आप को कहने वाली पार्टी भी, जब संवैधानिक अधिकारों का हनन होते हुए देखती रही तब हमें ये पार्टी बनाने को मजबूर होना पड़ा। आज हम भले एक दो सीट पर लड़ते हैं, गुजरात में हमने दो कैंडिडेट खड़े किए हैं, एक मैं और दूसरा हमारा एक साथी है, लेकिन हम पूरे भारत में 150 लोग चुनाव लड़ रहे हैं और चुनावी जंग में हम आने वाले समय में हमारे समाज की जितनी भी समस्या है उसका निदान करने के लिए हम संवैधानिक मार्ग अख्तियार करेंगे। गैर संवैधानिक मार्ग हमें अख्तियार नहीं करना है, क्योंकि बाबा साहब ने हमें संविधान दिया है और संविधान के माध्यम से है हमारे हक और अधिकार पाना है। तो बाबा साहब ने जब संविधान लिखा तो जब संविधान लिखते वक्त ही उन्होंने ये आशंका दर्ज किया थी कि बताई थी कि आज ये संविधान मैं आपको सौंप रहा हूँ, चाहे वो कितना भी अच्छा हो, लेकिन उसके अमल करने वाले लोग अगर बुरे हैं तो उस संविधान का अच्छा रिजल्ट नहीं पाएंगे। अगर संविधान बुरा है लेकिन उसके अमल करने वाले लोग अच्छे होंगे, उसकी नीयत अच्छी होगी, तो आप उसका अच्छा रिजल्ट ले सकते हो। तो बाबा साहब ने जो आशंका जताई थी तो आज इतने साल के बाद वो सच्ची साबित हो रही है। इसके लिए हमें हमारा संविधान के अंदर हमने पढ़ा, उसका अध्ययन किया, तो हमें पता चलता है कि बाबा साहब का जो मिशन है वो क्या है। बाबा साहब का मिशन, उसके जो संविधान जो है वो क्रांति का दस्तावेज है और डेमोक्रेसी जो है, डेमोक्रेसी में एक बूंद भी खून बहाए बिना, रक्त का एक बूंद भी बहाए बिना जो परिवर्तन आए, ऐसा अगर करना है, कर सकते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ संविधान के माध्यम से कर सकते हैं। संविधान में जो उसको प्रीएम्बल्स में लिखा है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उनके समस्त नागरिकों को आर्थिक, सामाजिक,
राजनीतिक, न्याय, विचार, विश्वास, धर्म, पूजा, उपासना की स्वतंत्रता और तक और अवसर की समानता प्रदान करने के लिए व्यक्ति की गरिमा बरकरार रहे और भातृभाव निर्माण हो, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित हो, ऐसा राष्ट्र और ऐसा समाज बनाने के लिए, ये निर्माण करने के लिए हम इस संविधान को अधिनियमित करते हैं, अधिकृत करते हैं, आत्मार्पित करते हैं। तो ये सारी बातें वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम लोगों ने तय की है। हम इस देश का संविधान के माध्यम से निर्माण करेंगे, राष्ट्र का निर्माण हम लोग करेंगे, पीपल, हम वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो हम लोगों को ये तय करना है कि हमें किस दिशा में जाना है। तो पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक का जो मैनिफेस्टो है, उस मैनिफेस्टो में भी यही लिखा है और बाबा साहब ने जैसा संविधान में अंदर लिखा हुआ है वही हम उसको अमल करवाने आए हैं। बाबा साहब ने आर्टिकल 13 में लिखा है कि भाई ये जो फंडामेंटल राइट है उसमें कोई भी कटौती नहीं हो सकती, उसको एबोलिश नहीं कर सकते उसके फंडामेंटल राइट को। और पुराने समय में जितनी भी कुरिवाजें, कुप्रथाएं थी, वो आज से ख़त्म, इस संविधान के अमल से ख़त्म हो जाएगी। और फंडामेंटल राइट को कोई ख़त्म करेगा तो उस वैसा वो सरकार अगर वो कायदा बनाती है तो वो नल एंड वॉइड गिनाया जाएगा। तो फंडामेंटल राइट को बरकरार रखने के लिए और इसको वैज्ञानिक अभिगम अपनाने के लिए हमको जो संविधान ने अधिकार दिए हैं, उस संवैधानिक अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए इस पार्टी ने अपने एजेंडे में ही ये सारी बातें दर्ज की है। तो पार्टी बाल्यावस्था में होते हुए भी वो क्या हासिल करना चाहती है वो हमने अपने मैनिफेस्टो में लिखा है। तो बाबा साहब ने आर्टिकल 15(4) और आर्टिकल 16(4) जो लिखा है कि भाई ये एजुकेशन, रिजर्वेशन इन एजुकेशन एंड रिजर्वेशन इन सर्विसेज, ये सारी चीज़ें लिखी है, फिर भी इसके बावजूद भी ये राइट्स जो है वो हमें नहीं मिलने देते। तो ये शासक जाति के लोग, ये जो पार्टियां हैं जो अपने आप को राष्ट्रवादी पार्टी बताते हैं, जो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों के जो मंसूबे हैं एक जैसे ही है और इस देश की मूल निवासी जो जनता है उसको उसके ड्यू राइट है वो मिलने नहीं देते हैं। तो पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक जो है वो इस भारतीय मूल निवासी बहुजन समाज की पार्टी है, भारतीय लोगों की पार्टी है। इसलिए हम चाहते हैं कि इस देश की जो जनता है वो उस देश की जनता को सभी सुख सुविधा कैसे प्राप्त किया जाए, उसका एजुकेशनल जो डेवलपमेंट है कैसे किया जाए। तो उसके लिए हम लोग एजुकेशन पॉलिसी बनाएंगे और 12वीं तक के बच्चों को फ्री एजुकेशन लागू करेंगे। हम हेल्थ के बारे में, अगर ये पूरे समाज की जो हेल्थ जो है उसके लिए हम हेल्थ पॉलिसी बनाएंगे ताकि उसकी हेल्थ अच्छी रहेगी, अच्छा नागरिक रहेगा तो इस देश के लिए वो काम कर सकेगा। तो हम लोगों ने इस देश के मूल निवासी बहुजनों के लिए हम जो भी करना चाहते हैं, तो इस देश की मूल निवासी प्रजा है वो जल, जमीन, जंगल, उसके जो साधन संसाधन है उसके ऊपर उसका पहला अधिकार होना चाहिए। जैसे वर्तमान सरकार ने अभी आदिवासियों के बारे में एक अधिनियम, एक कानून बनाया और आदिवासियों को जंगल से बेदखल करने का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा है। आप देखेंगे कि आदिवासी जो है वो उसको शेड्यूल 5 में डालकर उसके जंगल के जो राइट्स है, जो फॉरेस्ट राइट है वो उसको देना चाहिए, लेकिन 70 साल के बाद भी हमारे मूल निवासी आदिवासी भाइयों के साथ जो धोखाधड़ी हो रही है उसके लिए कौन लड़ेगा? तो इस देश का मूल निवासी जो है वही लड़ेंगे। एक अकेला आदिवासी नहीं लड़ सकता, तो SC ST OBC और इनसे धर्म परिवर्तित लोग जो है वो इस देश के मूल निवासी है, वो सभी लोग इकट्ठा आकर इस देश के मूल निवासियों की लड़ाई लड़ेंगे। तो आप देखेंगे कि अनुसूचित जाति के लिए जो एट्रोसिटी का जो कानून बनाया है, तो 1989 का जो एट्रोसिटी का कानून है
उसमें भी वर्तमान सरकार ने काफी वो उसको एबोलिश करने का प्रयत्न किया, तो जब प्रेशर बनता है तो वो संसद में उसको बहाल करके फिर से हमें मूर्ख बनाने का ना प्रयत्न करते हैं। तो आदिवासी और शेड्यूल कास्ट की तरह अदर बैकवर्ड क्लास को भी हम उसी दायरे में लाएंगे और उसी दायरे में अदर बैकवर्ड क्लास भी, वो बैकवर्ड है अगर वो पिछड़ापन है उसका और उसके साथ भी ज्यादती होती है तो उसको भी हम एट्रोसिटी के दायरे में लाकर उनको भी सुरक्षा प्रदान करेंगे। ये जो सारी चीजें है वो हमने अपने संविधान में लिखी हुई है, वही हम इम्प्लीमेंट करना चाहेंगे। रोजगार के बारे में मैं कहना चाहूँगा कि वर्तमान सरकार ने जितने भी जो वचन दिए थे उसमें 2 करोड़ लोगों को एम्प्लॉयमेंट देने का जो वादा किया था, लेकिन 2 करोड़ तो छोड़ो, लेकिन 6 लाख अभी वैकेंसी खाली पड़ी है। उस वैकेंसी को भरने के बजाय वो जितने भी जो पब्लिक सेक्टर है, जितने भी सरकारी क्षेत्र है, उसको प्राइवेट करने पर तुली है ये सरकार। अभी आने वाले समय में उनका टारगेट रेलवे और अन्य जितने भी जो सरकारी क्षेत्र है उसको प्राइवेटाइज करना उनका मकसद है। तो हमारी पार्टी अगर चुनकर आती है तो हम लोग राष्ट्रीयकरण करेंगे और राष्ट्रीयकरण को प्रोत्साहन देंगे और एजुकेशनल जो सिस्टम है उसका हम नेशनलाइजेशन करेंगे, उसका हम राष्ट्रीयकरण करेंगे, क्योंकि राष्ट्रीयकरण करने से ही हमको एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन मिलता है। एससी एसटी ओबीसी और कन्वर्टेड माइनॉरिटी को अगर पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिलता है तभी हम लोगों को हमारे हक और अधिकार मिल सकते हैं। हम ये चाहते हैं कि न्याय सभी को मिले, लेकिन न्याय की जो व्यवस्था है, बाबा साहब ने आर्टिकल 312 में वो प्रोविजन किया है कि ऑल इंडिया जुडिशियल कमीशन सर्विस की हम रचना करेंगे, लेकिन देश आजाद हुआ तब से लेकर अभी तक 312 जो कलम है उसके अंतर्गत जो जुडिशियल कमीशन बनाने की जो बात थी उसमें उन्होंने कोई कदम नहीं उठाए, और ये कोलिजन की सिस्टम लागू करके उसमें भी हमारा एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन मिल नहीं रहा है, और वो भी चूज एंड पिक, पिक एंड चूज वाली सिस्टम वो लागू करके अब भाई भतीजावाद चला रहे हैं। तो अगर हमारी सरकार बनती है तो जिस तरह से आईएएस आईआरएस आईपीएस सभी लोगों की एग्जाम होती है और उसमें मेरिटोरियस लोग जो आते हैं उसी वही लोग अफसर बनते हैं, तो इसी तरह जो जुडिशरी में भी उसकी एग्जाम हो और एग्जाम के बाद वह जज बने तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में हमारा एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन हो तभी जाकर हमें न्याय मिल सकता है। क्योंकि अगर जज हमारा नहीं होता है तो वो विषमतावादी मानसिकता से वो हमें कभी भी न्याय नहीं देता। इसकी वजह से हमें एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन पाने के लिए जुडिशरी को भी रिप्रेजेंटेटिव बनाना पड़ेगा। बाबा साहब ने कहा था कि रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट इज बेटर देन एफिशिएंट गवर्नमेंट। वर्तमान सरकार जो है वो ये कहती है कि गुड गवर्नेंस, लेकिन गुड गवर्नेंस के नाम पर अदर बैकवर्ड क्लास का एक भी आदमी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में सिलेक्ट नहीं हुआ है। एक भी आदमी, एक भी बंदा प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में अभी उसको कहीं पर भी डेप्यूट नहीं किया गया। तो अगर ओबीसी का एक भी बंदा प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में नहीं होगा तो उसका रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा? अगर अदर बैकवर्ड क्लास के लोगों को ये पता चलेगा कि भाई हमें हमारा प्रतिनिधित्व ही नहीं मिल रहा है, तो बाबा साहब ने जब 340 के अंतर्गत उनको रिजर्वेशन मिलना चाहिए, ये बात लास्ट 30-40 साल से ये लटकाए हुए है। वो उनकी बस्ती 52.5% होने के बावजूद उसको 27% रिजर्वेशन दिया जाता है और उसमें भी क्रीमिलियर लगाया जाता है। तो अगर हमारी सरकार बनती है तो हम क्रीमिलियर को हटा देंगे और जो 50%
का जो सीलिंग है हम उसको भी हम हटाएंगे और जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, ये बात को हम लागू करेंगे और एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन देंगे। और एम्प्लॉयमेंट के बारे में हम हर क्षेत्र में हर समाज के लोगों को, किसी को भी अन्याय ना हो, इस तरह का हम लोग व्यवस्था करेंगे। ये हमारा वादा है कि हम इसीलिए इस चुनाव में खड़े हैं कि हम संविधान को अमल करेंगे और संविधान का अमल करके हम इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, ब्रदरहुड एंड जस्टिस की व्यवस्था कायम करना चाहते हैं। अगर ये व्यवस्था लाना है तो सबसे पहले डेमोक्रेसी के अंदर वन मैन वन वोट, वन वोट वन वैल्यूज तो है, लेकिन उसको इसकी अमलवारी नहीं होती है। क्योंकि बाबा साहब ने जब कहा था कि भाई आर्टिकल 38 और 39 में जो आर्थिक असमानता है उसको खत्म करने के लिए ये दोनों आर्टिकल लिखे हुए हैं और साधन संसाधन जो है उस पर सभी को इसकी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ऐसी होनी चाहिए, तो जो संपत्ति है, जो साधन संसाधन है, उसका वितरण सही ढंग से होना चाहिए। अगर इस डायरेक्टिव प्रिंसिपल को ठीक से लागू किया होता तो किसी भी सरकार को इस मूल निवासी बहुजन समाज का कल्याण करना उसके हाथ में है, लेकिन वो नहीं चाहते, इसलिए वो उसको इम्प्लीमेंटेशन करते नहीं है। अगर हमारी सरकार बनती है तो हम पूर्णतः डायरेक्टिव प्रिंसिपल के अंदर जो भी चीज़ें आती है हम उसको लागू करेंगे। एजुकेशन के बारे में बाबा साहब ने सोचा था कि एजुकेशन फ्री होना चाहिए, एजुकेशन फंडामेंटल राइट होना चाहिए, लेकिन देश की जितनी जो भी पार्टियां शासन में आई उन लोगों ने कभी भी ये एजुकेशन को फंडामेंटल राइट नहीं बनाया। अभी जो यूपीए सरकार आई और 2009 में उसको फंडामेंटल राइट बनाया, लेकिन उसके साथ साथ उन लोगों ने एजुकेशन का प्राइवेटाइजेशन किया। एजुकेशन का प्राइवेटाइजेशन करके जो बच्चे पढ़ लिख कर अपनी एम्प्लॉयमेंट पाने के लिए तैयार हो सके, लेकिन उस स्कूल के दरवाजे पर ही उसको रोक दिया जाता है। क्योंकि ये व्यापारी जो करण हुआ है, एजुकेशन का जो व्यापारीकरण हुआ है, इसकी वजह से मूल निवासी बहुजन समाज का कोई भी बच्चा वो प्राइवेट स्कूल में एडमिशन नहीं ले सकता। ये सारी व्यवस्था अंबानी बिरला कमिटी के माध्यम से ये हुई, तो ये करने का मतलब है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन की जो सिस्टम लागू की वो बिल्कुल संविधान के खिलाफ थी। क्योंकि संविधान में कल्याणकारी राज्य बनाने के लिए संविधान के अंदर प्रोविजन थी कि हम कल्याणकारी राज्य बनाएंगे, लेकिन इन्होंने लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन की नीति अपनाकर मूल निवासी बहुजन समाज के साथ बहुत बड़ा धोखा किया है और सारी चीज़ें उसमें लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन के माध्यम से जितने सरकारी पब्लिक सेक्टर है उसको बेच के कॉरपोरेट परिवार को दे के उसमें खानगीकरण करके जितने भी हमारी जो उम्मीदें लगाई हुई थी कि इसमें हमें वैकेंसी मिलेगी, इसमें हमें नौकरी जॉब मिलेगा, लेकिन ये खानगीकरण की वजह से ये हमारे मूल निवासी बहुजन समाज के बेरोजगार लोगों को जॉब नहीं मिल रहा है। एक साइड में 6 लाख वैकेंसी खाली पड़ी है, दूसरी ओर सरकार उसको बैकलॉग को भरती नहीं है और उसके अगेंस्ट में उसका प्राइवेटाइजेशन करने की सोच रही है। तो अगर मूल निवासी बहुजन समाज अपने हक और अधिकार चाहती है तो ऐसी गवर्नमेंट बनाए जो उसके हित में निर्णय ले। तो उसके हित में निर्णय कौन लेगा? जो संवैधानिक व्यवस्था निर्माण करना चाहता है वही लोग वो निर्णय ले सकते हैं। तो पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक जो है उसका यही एजेंडा है कि हम राष्ट्रीयकरण को प्रोत्साहन करेंगे और कोऑपरेटिव सेक्टर जो है उसको भी हम प्रोत्साहन देंगे ताकि हम अपने समाज को रोजगारी मुहैया करवा सके। रोजगार के क्षेत्र में अगर देखा जाए तो बहुत बड़ा प्राइवेट सेक्टर है, लेकिन उस प्राइवेट सेक्टर में हमारे लोगों को सिर्फ मजदूरी करने के लिए ही जगह मिलती है, लेकिन वहाँ क्लास 1 क्लास 2 जो बड़ी पोस्ट रहती है उसमें उसको एंटर नहीं होने दिया जाता है।
तो अगर हमारी सरकार आती है तो हम लोग एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के माध्यम से ही वहाँ रिक्रूटमेंट हो ऐसी हम व्यवस्था करेंगे, उसको हम कंपलसरी करेंगे और प्राइवेट सेक्टर में भी हम रिजर्वेशन दाखिल करेंगे ताकि हमारा मूल निवासी बहुजन समाज के बच्चे और युवा उसके वो बेरोजगार ना रहें, उसको एम्प्लॉयमेंट मिले और राइट टू लीव और राइट टू एम्प्लॉयमेंट जो है वो राइट है, हमारा जीवन जीने का अधिकार है और काम लेने का जो अधिकार है, रोजगार पाने का जो अधिकार है वो हमारा संवैधानिक अधिकार है। तो जितनी भी सरकारें आई है वो सरकार अभी तक हमें रोजगारी प्रदान करने में निष्फल गई है, तो इसलिए हमने राजनीति में कदम रखा है और हमारे समाज की जितनी भी समस्या है उसका समाधान करने के लिए हम पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया की ओर से हम ये वादा करते हैं कि हम आने वाले समय में हमारे लोकतंत्र को बचाएंगे, संविधान को बचाएंगे, उसका अमल करेंगे।